22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम विवाह को लेकर रामनगरी में तैयारियों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में आज दूर दराज से राम भक्त सीताराम विवाह महोत्सव का आनंद लेने के लिए रामनगरी पहुंचे हैं। मठ मंदिरों पर भगवान राम की बारात की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज शाम को भव्यता के साथ राम बारात निकाली जाएगी, जिसमें अयोध्या के दशरथ महल और आहुति भवन जैसे एक दर्जन से ज्यादा मंदिरों में से राम बारात को लेकर सड़कों पर निकलेंगे। चार उत्सव यहाँ होता है हमारे यहाँ, सावन में, झूला में, जेठ में, रामनवमी में और ये अगन प्रधान विवाह उत्सव। ये उत्सव सबसे महत्वपूर्ण उत्सव अयोध्या जी का भी है, हमारे सावन का भी है। यहाँ के जो हम लोग संस्थापक मान जी थे, बड़े महाराज जी, उन्हीं के द्वारा मंदिर स्थापित है और उनका जो भाव था राम जी और किशोरी जी का विवाह से संबंधित, जितने पूजा है विवाह हिंदू रीति रिवाज से होता है यहाँ पर। कितना साल से होगा चुमचुम, कितने से वर्षों से लगभग विवाह, राम विवाह जो हो रहा होगा 70-80 वर्ष के रखिए विवाह जो हो रहा है। तो अगन विवाह उत्सव में पहला उत्सव होता है वही संस्थापक महान जी का भंडारा, जिसमें अयोध्या के जितने संत महंत हैं, जितने भी पूजनीय हैं, सारे लोग आते हैं, नो एक्सेप्शन, सब लोग आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं। आज विशेष क्या कार्यक्रम? उसके बाद ये होता है विवाह उत्सव। विवाह उत्सव चूँकि हिंदू रीति रिवाज से राम जी के उत्सव होता है, तो परसों हुआ राम जी का तिलक, कल हुआ किशोरी जी का तिलक, आज होगा बारात निकलेगा, आज राम विवाह निकलेगा। गाजा बाजा हाथी घोड़े के साथ सारे जज, कलेक्टर, एमपी सब शिष्य लोग आए हुए हैं आएंगे। शाम को दरवाज़ा जैसे लगता है वैसे दरवाज़ा लगेंगे। ये अयोध्या जी स्थापित है, ये मंदिर सब तो एक ही प्रांगण है, यहाँ से बारात निकलेगी। माना गया इसको अयोध्या जी भावना में, वो माना गया मिथिला जी, किशोरी जी का प्रदेश, लड़की वाले का पक्ष। बारात यहाँ से निकलेगी, शाम को आके दरवाज़ा वहाँ मिथिला में लगेगा, वहाँ से विवाह का कार्यक्रम। बारात कहाँ से कहाँ जाएगी? बारात कितना दूर होगा? प्रमुख चौराहे होते हैं। हाँ, प्रमुख चौराहे होते हैं। ये आसफी भवन होते हुए मुड़ के तभी बारात में निकलेंगे। बारात से धूमधाम से ऐशोआराम से सब लोग नाश्ते खाते जाएंगे, लोग भाव से जाएंगे, जगह जगह द्वार प्रणाम भी प्रतिष्ठा हो रही है। अच्छा है, काफ़ी बुढ़िया, अभी सब अभी भोजन करके घर में गए, अभी तक हजारों आदमी खाया, कम से कम 600-700 तो जाएंगे, उससे ज़्यादा ही जाएंगे। हाँ, लगभग 1000 रखिए। क्या नाम आपका? प्रकाश चौधरी। सीताराम विवाह महोत्सव की ढेर सारी सभी भक्तों को शुभकामनाएं। और इस बार की जो बारात है वो ऐतिहासिक बारात श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल से निकलेगी, जिसमें 7 राज्य की बड़े बड़े बाजा हैं, जिसमें उनकी संख्या 300 की है। हाथी हैं, घोड़े हैं, 5 रथ हैं और डीजे हैं, मतलब और लमसम 5,000 से 6,000 लोगों की संख्या में भीड़ होगी। तो इसलिए सभी से मैं आग्रह करता हूं कि सब लोग आएं और यह श्री राम बारात में आकर के सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आम जनमानस के साथ तो सारी दुनिया चलता है, परंतु भगवान के राम के बारात चलना ये परम सौभाग्य। बारात श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में से निकलेगी और आगे रंगमहल होते हुए त्रिदंडी देव, कटरा, असरभी भवन होकर के आपको आएगी पोस्ट ऑफिस चौराहा, उसके बाद हनुमानगढ़ी होते हुए पुनः यहाँ पे स्थापित होगी। कितने श्रद्धालु? 6,000, 5,000 से 6,000 लोग। प्राण प्रतिष्ठा का भी समझ लीजिए कि ये प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में और ये श्री सीताराम विवाह महोत्सव, ये दोनों समय एक जैसा तुल गया है। जहाँ वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखिए, देखन जोगु, ये देखने योग होगा। जय श्री राम। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहाँ आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियाँ एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियाँ एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियाँ, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियाँ अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध है। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।